इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के कहर से बुजुर्गों के अलावा जिनको सबसे ज्यादा खतरा है वो है गर्भवती महिलाएं। जिन घरों में प्रेग्नेंट विमेन है वहां सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोरोना से कैसे बचाया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं को कोरोना के इन्फेक्शन से ज्यादा खतरा है। प्रेग्नेंट विमेन की टेंशन को कैसे करें दूर, ये बताने के लिए कोरोना कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए हैं देश के दो बड़े गायनोकोलॉजिस्ट, एम्स के डॉक्टर नीरज बाथला और मैक्स अस्पताल से डॉक्टर सुमन लाल। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं को लेकर, खासकर गर्भवती महिलाओं को कोरोना को लेकर बहुत चिंता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा क्या है और कैसे ख्याल रखें? नमस्कार ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो ये हमें बहुत दुख है इस बात का कि इस बार की जो लहर चली है उसमें पिछली बार की लहर के मुकाबले बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज की रिपोर्ट सारी देश भर से ही आ रही हैं। तो ये देखा गया है कि इसमें इवन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी मॉडरेट सीवियर डिजीज पे जा रही हैं और जो बच्चे हैं उन पे भी ज्यादा असर, क्योंकि वो समय से पहले डिलीवरीज बहुत ज्यादा और कई केसेस में तो अबॉर्शंस का भी रिस्क ज्यादा, सो ये दोनों पे ही असर आ रहा है जी। डॉक्टर नीरज, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि एक जो गर्भ अवस्था का समय होता है वो लेडीज के लिए और परिवार के लिए कितना खुशी का समय होता है और किसी भी प्रकार से ये बदल के एक दुख का वातावरण होने की संभावना किसी को ना होती है, ना उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड होता है और इससे बचाव हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इनको घर घर पे रहना तो ठीक है, इनको हम कहें आप डिस्टेंसिंग रखिए, आप कहीं बाहर ना निकलिए और ये सब वो लीजिए प्रिकॉशंस, लेकिन इसके अलावा फैमिली को भी ध्यान रखना है कि उन्हें भी ध्यान रखना है कि वो अपने आप को रिस्क में ना डालें। अगर वो घर घर में इन्फेक्शन लाएंगे तो ये देखा गया है कि जो महिलाएं पूरी सावधानी बरत रही थी फिर भी उनको हो गया क्योंकि परिवारजनों ने पूरी प्रिकॉशन नहीं ली। सबसे पहले ये, दूसरी बात ये कि हर हालत में उन्हें अपने प्रेगनेंसी केयर गिवर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है। आजकल ये समस्याएं चलते हुए हम पुराने हिसाब से इतनी फ्रीक्वेंट चेकअप्स नहीं एडवाइस कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि इवन प्रेगनेंसी के दौरान अगर 4 बार भी उनका फिजिकल संपर्क हो गया है तो वो काफी है, लेकिन उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़े रहना है अपने डॉक्टर से। उन्हें देखना है कि अगर कोई भी ऐसे संकेत बन जाते हैं जो रिस्की हैं तो उस समय जरूर जाना है, बट अननेसेसरी विजिट्स नहीं करनी है, इससे उन्हें फायदा रहेगा जी। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोविड हो गया है तो ऐसे में क्या उन्हें दवाइयां दी जा सकती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जा सकती हैं, स्टेरॉइड्स? गर्भवती महिलाओं में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं लोरस ग्रुप, जनरली यंग पेशेंट है, बहुत मोटी नहीं है और उनके किसी तरह की कोमोबिलिटी नहीं है, तो जनरली उसमें माइल्ड डिजीज होती है और सिंपल पैरास्टामोल की गोली ही सफिशिएंट होती है और अगर कोल्ड कफ है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो दवाएं हम शुरू करते हैं जैसे एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इनका कोई प्रूवन रोल नहीं है, तो बेटर है कि गर्भवती महिलाओं में वो ना दिया जाए। जहां तक स्टेरॉयड की बात है, स्टेरॉयड के अपने स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं कि जैसे 6ठे दिन के बाद फीवर का आना, किसी तरह का सैचुरेशन डिक्रीज होना, पेशेंट का मॉडरेट डिजीज में जाना, उस समय स्टेरॉयड की जरूरत पड़ती है। एंड स्टेरॉयड की जरूरत को अगर जरूरत पड़ती है तो हम बहुत सोच समझ के एंड प्रॉपर केयर में ही महिलाओं को देते हैं, न कि उनको बोलते हैं कि आप घर पे स्टेरॉयड ले लो, क्योंकि स्टेरॉयड के बच्चे और मदर पे भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड है तो उससे उसके अनबॉर्न बेबी को होने के चांसेस कितने ज्यादा है?
ये बहुत अच्छा है कि अभी तक जितने भी प्रेग्नेंट लेडी का की डिलीवरी हुई है उसमें देखा गया है कि बच्चों को मोस्टली कोविड नहीं होता है, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बच्चे तक बहुत रेयरली देखा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हमने सजेरियन कर दिया तो ट्रांसमिशन रुक जाएगा, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ट्रांसमिशन रुक ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस मामले में थोड़े से खुशकिस्मत हैं कि बच्चे में उतना अधिक खतरा नहीं होता है, और अगर कोविड मदर के बच्चे को हम डिलीवर करते हैं तो बच्चा जनरली सेफ होता है। जी अच्छा डॉक्टर नीरज, क्योंकि सिजेरियन की बात हो रही है तो ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला का सिजेरियन के थ्रू बेबी बच्चा बॉर्न होता है तो क्या उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं? सो जैसे अभी डॉक्टर सुमन कह रही थी, इन्फेक्शन का मोड ऑफ डिलीवरी से कोरिलेशन नहीं है। तो यदि हम सिजेरियन करते हैं तो उन्हीं कारणों के लिए करते हैं जो हम नॉन कोविड मदर्स में करते हैं, यानी कि वो मदर के या बेबी के हित में है अदरवाइज, ना के कोविड के कारण, और इसलिए कोविड का उस पे प्रकोप भी नहीं देखा गया है। जी अच्छा डॉक्टर सुमन, अगर हम एक कदम आगे बढ़ें और वैक्सीन की बात करें तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीनेशन करा सकती हैं या उसमें भी कोई टाइम या कितने मंथ की प्रेग्नेंट है उन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? वैक्सीन के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, एंड महिलाएं जो प्रेग्नेंट है दे वॉन्ट टू गो फॉर वैक्सीनेशन, और जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो भी वैक्सीनेशन करवाना चाहती हैं। जहां तक दो वैक्सीन जो हम इंडिया में दे रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनकी कोई सेफ्टी की गाइडलाइंस नहीं आई है, एंड गवर्नमेंट प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग में इस वैक्सीन को देने के लिए मना कर रही है। इसलिए हम वैक्सीन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं उन वुमेन के लिए, मगर बाहर की कंट्री में ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को वैक्सीन मिली और वो प्रेग्नेंट हुई उनके बच्चे में कोई तरह की का खतरा नहीं देखा गया। इस बेसिस पे अगर कोई वुमेन वैक्सीन ले लेती है और साथ साथ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो हमारे पास आती है तो हम उसको कहते हैं कि वैक्सीन अभी तक की बाहर की स्टडी में सेफ पाई गई है, इसलिए वो प्रेग्नेंसी कर सकती है, आगे बढ़ सकती है और बच्चे को खतरा होने का चांसेस नहीं के बराबर है। जी अच्छा डॉक्टर नीरजा, क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है कि किसी प्रेग्नेंट औरत ने विलिंगली वैक्सीन लगवाई हो वाइल्ड प्रेगनेंसी? ये मैं कहूंगी कि इंडिया टीवी ने ही एंटैगी का मुझे लगता है सबसे पहले ब्रेक किया था कि एंटैगी ने अप्रूवल दे दिया है वैक्सीन के लिए। जी ये अभी पेंडिंग है मामला, क्योंकि अभी ये मिनिस्ट्री में रेकमेंडेशन जो गई है वो अब नेगवैक के तो इस पे कंसिडरेशन करनी होगी। और ये आप बात सही कह रही हैं कि अभी ऑलरेडी लेडीज हैं इवन इंडिया में जो वैक्सीन लगवा चुकी हैं बिना ये बयान किए हुए कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये मामले कुछ हमें पता चले हैं के कुछ हैं, स्पेशली डॉक्टर्स में पता चले हैं जिन्होंने लगवा ली है, और वो उसी बेसिस पे जो डॉक्टर सुमन लाल बता रही हैं कि ये वैक्सीन्स जो एमआरएनए वैक्सीन्स बाहर वाली अप्रूव हो चुकी हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन, और बहुत बड़ी बड़ी कमिटीज ने, ACOG ने, फिगो ने इसकी सपोर्ट की है। यहाँ तक कि इंडिया में भी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटीज ऑफ इंडिया करके है, फॉक्सी, जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी 30,000 प्लस मेंबर्स की बॉडी है गायनेकोलॉजिस्ट की, उसने भी अपना रिकमेंडेशन दिया है कि वैक्सीन होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। और एंटैगी ने ये देखा कि कोवैक्सीन क्योंकि किल्ड वायरस वैक्सीन है और किल्ड वायरस वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती हैं, तो इस बेसिस पे इवन ट्रायल फॉर्मल ना होके भी ये अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। और रही बात कोविशील्ड की, क्योंकि हल्का सा एक कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स का रिस्क, स्पेशली जो 30 से कम उम्र की होंगी और प्रेगनेंसी में होगा, बट बहुत कम रिस्क है और इस समय कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इस अनुमान पे ये देखा गया कि जो रिस्क है वो ज्यादा है और रिस्क से ज्यादा बेनिफिट है, बहुत रिस्क ऑफ डिजीज ज्यादा है, रिस्क ऑफ वैक्सीन कम है, बेनिफिट ऑफ टेकिंग वैक्सीन एट दिस पॉइंट ज्यादा लग रहा है। इसको सब देखते हुए एंटैगी ने इसको मंजूरी दे दी है,
अब देखना है कि नेगवैक। अब रही बात और लैक्टेशन में दोनों वैक्सीन्स, प्रेगनेंसी में दोनों वैक्सीन्स की अप्रूवल एंटागी की तरफ से हो चुकी है, लेकिन अब अगर महिलाएं लगवाएंगी तो जैसे डॉक्टर सुमन ने कहा कि अभी तक तो सरकार की तरफ से हमें वो है नहीं, अगर वो सेंटर पे कहेंगी वो प्रेग्नेंट है वो देंगे नहीं, वो बिना बताए जो लगवा रही हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ना है कि प्रेगनेंसी का क्या हुआ। तो आई कैन ओनली यूज दिस फोरम टू रिक्वेस्ट वुमेन जिन्होंने लगवाई है कभी प्रेगनेंसी में, वो इसका बयान जरूर करें, क्योंकि वो आगे चल के हमारे भी काम आएगा कि उन्होंने लगवा ली और जैसा हमें उम्मीद है उनको कोई उससे साइड इफेक्ट नहीं हुआ। जी डॉक्टर सुमन, अगर डिलीवरी के बाद कोई महिला वैक्सीन लगवाना चाहती है तो क्या कुछ टाइमलाइन है इतने वक्त के बाद या इतने वक्त के अंदर? जैसा हम लोगों ने बोला कि डिलीवरी के बाद महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है और ब्रेस्ट फीडिंग में गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी नहीं दी है, तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो हम अपनी तरफ से वैक्सीन को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती है। मगर अगर महिलाएं ले रही हैं, जो महिलाओं ने लिया है उसमें वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है तो वो वैक्सीन ले सकती है। अगर प्रेगनेंसी में वो सेफ है तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी वो ले सकती हैं। अगर कुछ महिलाओं में जैसे क्लॉट बनने की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान या पहले किसी क्लॉट बनने की संभावना उनके प्रेगनेंसी के पहले थी, उन महिलाओं में हम कहते हैं कि एटलीस्ट 4 to 6 weeks थोड़ा वेट करें जिससे कि प्रेगनेंसी के बाद जो क्लॉट बनने की संभावना है वो कम हो जाएगी। मगर वो बहुत छोटा सा एक ग्रुप है जिसमें ऐसा हम बताते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सुमन, हमारे दर्शक ने भी यही सवाल भेजा था जिसका जवाब आपने दिया। मैं वापस एक बार फिर से डॉक्टर नीरजा पर आती हूँ। डॉक्टर नीरजा, जो औरतें कंसीव करना चाहती हैं उनको किस वक्त वैक्सीन लगानी चाहिए, क्या उसमें भी कोई टाइमलाइन है? आई थिंक उसमें बेस्ट रहेगा कि वो वैक्सीन लगवाएं और दो डोजेस लगवा लें 4 हफ्ते के इंटरवल पे या 4 से 6 हफ्ते के इंटरवल पे और फिर प्रेगनेंसी करें तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन इवन जिन्होंने 1 dose भी लगाया है उसमें भी प्रोटेक्शन देखा गया है कोविशील्ड के साथ, तो 80% है उसमें प्रोटेक्शन इवन आफ्टर 1 dose। तो जिन्होंने 1 dose भी लगवा लिया है उसमें भी उनको लाभ रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। जी, क्योंकि जो दूसरी डोज है डॉक्टर नीरजा वो बूस्टर है, तो उसमें और कंसीव करने में इन दोनों के बीच में भी क्या टाइम डिफरेंस होना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक उससे कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी अगर आप ब्रॉडली देखें तो जो भी प्रेगनेंसी होती है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि हमारा लास्ट पीरियड हुआ उसके बाद हमने फलां दवाई मिल गई हमें कोविड के लिए, हमें फलां सीटी स्कैन हुआ, तो जो कुछ भी फर्स्ट मिस्ड पीरियड की डेट से होता है वो बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि अभी आपका पीरियड एक्सपेक्टेड था कि आएगा 2 या 3 तारीख को, तो उससे पहले आपने जो कुछ भी लिया वो बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, इसमें आप निश्चिंत रह सकते हैं पूरी तरह से। सो देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइम इंटरवल फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी टू हैपन। और एक मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगी कि इस कारण से लैक्टेशन ना बंद करें। कुछ महिलाएं आके कह रही हैं कि चलिए फिर हम लैक्टेशन बंद कर देते हैं ताकि हम टीका लगवा सकें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। बच्चे को माँ के दूध की बहुत आवश्यकता है, उसे किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहिए। जी डॉक्टर सुमन, अगर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे को कोरोना का ये संक्रमण आ जाता है तो उस वक्त किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? जनरली छोटे बच्चे में कोरोना संक्रमण इतना सीवियर नहीं होता है, और अगर मदर को माइल्ड डिजीज है तो बच्चे में माइल्ड ही चला जाता है। तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर इस बच्चे को आइसोलेशन करने की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा अगर नर्सरी में है तो दूसरे बच्चे में वायरस का ट्रांसमिशन कर सकता है, या अगर उसको घर की अदर महिलाएं या बुजुर्ग महिलाएं बच्चे का ध्यान रख रही हैं तो उसको कोरोना फैल सकता है और बच्चे से उस महिला में जाके महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए बच्चे का, जिस महिला को कोरोना होता है उसके बच्चे का टेस्ट हम लोग जरूर करवा के देखते हैं ताकि अगर उसमें कोरोना है तो हम इन सब बातों का ध्यान रख सकें। जी डॉक्टर नीरजा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे,
मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए कोविड की क्या खास गाइडलाइंस हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं की गाइडलाइंस कोविड में वही हैं जो बाकी लोगों के लिए हैं। एक दो चीजें हैं, जैसे आइवरमेक्टिन, वो प्रेगनेंसी के लिए अप्रूव्ड नहीं है अभी। जैसे डॉक्टर सुमन बता रही थी कि अगर स्टीरॉयड, तो स्टीरॉयड वैसे तो फायदेमंद होता है बच्चे के लिए। हम 4 डोजेस डेक्सामेथासोन के यूं भी रेकमेंड करते हैं प्रीटर्म वालों के लिए, ताकि बच्चे के फेफड़े मजबूत हों और तरह की प्रेमेच्योरिटी कॉम्प्लिकेशन से बचें। लेकिन यदि टू मच डेक्सामेथासोन जाएगा तो वो आगे चल के बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डिवेलपमेंट के आड़े आ सकता है। इसलिए रेकमेंड करते हैं कि कोई दूसरा स्टीरॉयड, जैसे जो क्रॉस नहीं करेगा प्लेसेंटा, उस पर तब्दीली जाए। तो ये सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अर्ली ऑन अपने प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें, वो अपने कंसल्टेंट से संपर्क करें, ताकि मेल जोल से सेफली उनका इलाज हो सके जी। और जहां तक इनके गर्भवती महिला है जो कोविड संक्रमित है, उसे फीड करना है अपने बच्चे को, और मेजोरिटी में नहीं है, तो उन्होंने वही प्रिकॉशंस लेनी है। उन्होंने मास्क पहनना है, हाथ अपने सैनिटाइज करने हैं बिफोर एंड आफ्टर, अपना ध्यान करके। और यदि बच्चे में है तो वो दूसरे मेंबर्स फैमिली के अपने मास्क वगैरह पहन के रखेंगे। बच्चे को मास्क नहीं पहनाया जाएगा, छोटे बच्चों को मास्क नहीं दिया जाएगा जी। बिल्कुल, ये कोविड बिहेवियर है जिसका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, ना सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को बल्कि घर वालों को भी। डॉक्टर नीरजा, डॉक्टर सुमन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि दर्शकों के हर सवालों के जवाब आपसे लें। बहरहाल, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वैक्सीन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।